बॉलीवुड के ग्लैमरस गर्ल उर्वशी रौतेला अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए कपिंग थेरेपी का इस्तेमाल कर रही है। उर्वशी ने इसकी फोटो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। फोटो के साथ उन्होंने अपने इस दर्दनाक एक्सपीरियंस को शेयर किया। कपिंग थेरेपी एक तरह की चाइनीज रिफ्लेक्शन थेरेपी है। ये थेरेपी एक दर्दनाक भरी प्रक्रिया है जिसके जरिए शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर निकाला जाता है और स्किन ट्यूशन को ऑक्सीजन और दूसरे जरूरी तत्व देकर गहराई तक आराम पहुँचाया जाता है। इस दर्दनाक थेरेपी पर एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट कॉटन के गोले को पहले शराब में भिगोते हैं। इसके बाद इन गोलों को कांच से बने छोटे ग्लास का कप में रखकर इसमें आग लगा दी जाती है और फिर इसे आग को बुझाकर गर्म बर्तन को तुरंत स्किन पर रखा जाता है। गौरतलब है कि इससे पहले बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट और विजय बानी ने इस चाइनीज थेरेपी का सहारा लिया था। उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड युवराज ठाकुर के साथ इसे अंजाम दिया था। उस वक्त बानी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा था कि वे पेनफुल होने के बावजूद वो आग थी इस थेरेपी की आजमाई, क्योंकि इसके बाद आपको 4 घंटे तक जबरदस्त नींद आती है। बॉलीवुड ने हॉलीवुड में भी कई एक्ट्रेस अपनी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए खतरनाक थेरेपी का सहारा लेती है। उन्हें भी एक अमेरिकन रियलिटी स्टार और सुपर मॉडल किम कार्डेशियन ब्यूटीफुल दिखने के लिए किम प्लेटेज रिच थेरेपी लेती है। इस थेरेपी में व्यक्ति का खून निकालकर उसकी वापस त्वचा में इंजेक्शन लिया जाता है। इसके अलावा किम कपिंग थेरेपी का इस्तेमाल कर चुकी है। PM News 24 की रिपोर्ट।